स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और यूपी मांगे उत्तर में आपको बता दें आज बात शपथ की ट्रिक लगाते ही मिशन 100 डेज की पिच पर टीम मोदी तैयार हो चुकी है। टीम मोदी फ्रंट फुट पर खेलने उतर आई है। मोदी ने साफ कह दिया है कि अगले 100 दिन टीम के खिलाड़ी यानी कि मंत्रियों को जनता से जुड़े कामों पर बड़े हिट्स लगाने हैं। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आज उन्होंने सभी मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंप दी। मोदी कैबिनेट में ज्यादातर पुराने चेहरे ही नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पुराने मंत्रियों को लगभग फिर से वही जिम्मेदारी दी गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि मंत्रालय के बंटवारे में सहयोगी दलों की हनक दिखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या मोदी अपने हिसाब से ही सरकार चलाएंगे? तो खास पैनल के साथ आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मोदी सरकार में भागों का बंटवारा चुकी हो चुका है, और किसको कौन सा भाग मिला है ये भी हम आपको लगातार अब बता रहे हैं। कौन किस भाग की जिम्मेदारी संभालेगा? नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय पहले की तरह दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें यहाँ पर अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय मिला है। यहाँ पर वो नाम और हम आपको बता रहे हैं जिनको विभाग के बंटवारे हुए। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय पहले की तरह बरकरार है यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अजय टम्टा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में विभागों को बंटवारा हो चुका है। अश्विनी वैष्णव की बात की जाए तो यहाँ पर रेल मंत्रालय उनके पास दिया गया है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास आई है। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। पीयूष गोयल को कॉरपोरेट मंत्रालय दिया गया है। टोकन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर हम आपको बताते हैं जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्री जो है वो बनाया गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कौन कौन सा भागों का बंटवारा कहां कहां हुआ है, किस किस को कौन सा भाग दिया गया है। हमारे साथ बीजेपी से शरद त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका चर्चा में। इसके साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से हिलाल लखवी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी चर्चा में। इसके साथ ही सपा से हमारे साथ सुमैया राणा जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत सुमैया आपका भी। सबसे पहले शरद जी का ही मैं रुख कर लेती हूँ। शरद जी, बंटवारा हो चुका है, जिम्मेदारियां दे दी गई है, और कह सकते हैं रोड मैप भी आप लोगों की तरफ से तैयार कर लिया गया है सौदन का। जी बिल्कुल, हम तो पहले से ही हमें पता था कि क्या नतीजा आने वाला है। किस जिस तरह का उन्होंने काम किया था, जनता उस पर मोहर लगाती और उसी तर्ज पे सारी तैयारी पहले ही कर ली गई थी कि 50 दिन में क्या होगा, 100 दिन में क्या होगा, ये पहले साल में क्या होगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 3-4 साल में हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो उसमें लंबे प्रशासनिक अनुभव के लोगों को रखा गया है। कई मंत्रालय करीब 7-8 रिपीट किए गए हैं, उन्हीं को दिया है जिन्होंने उसमें कीर्तिमान हासिल किया था, तो उसी राह पे चल रहे हैं। और जो गतिशक्ति के की स्पीड से जो काम होना था वही काम कर रहे हैं, और ये निरंतर चलता रहेगा। और जनता ने आशीर्वाद दिया है कि ये काम बिना रोक टोक के चले, चुनाव से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार बन गई है और जितना पहले जिस स्पीड से काम हुआ था उससे दुगनी स्पीड से काम होगा। जहां जहां कोई कमी रह गई थी उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि पूरी तैयारी है कि साथ तीसरी बार हैट्रिक लगाई है यहां पर सरकार ने, और रोड मैप भी तैयार कर लिए गए, बंटवारा भी हो चुका है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे कौन कौन से मंत्रालय किसके पास है तमाम, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, हिलाल लखवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम रुक लेते हैं। हिलाल लखवी साहब, बंटवारा हो चुका है मंत्रालय का, कैसा लगा है बंटवारा आपको, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि हम ये जो नई सरकार बनी इसका मंत्रालय बनाए, इनको सबको शुभकामनाएं देंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो तीसरा टर्म जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें वो पूरी तरह से कर्मठता के साथ काम करेंगे, और जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो कि संविधान के विरोध में जाता है, जिससे कि संविधान जो है वो खतरे में आता है, या जिससे संविधान में जो दी गई बहुत सी चीजें हैं उसको समाप्त करने की कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से नए सहयोगी हैं साथ में, ये जो तीसरी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार है ये, इसके ना गठबंधन के लोग भी हैं, और गठबंधन धर्म जो है उसको निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा होती है। हम उम्मीद करते हैं कि उस गठबंधन धर्म का भी निवारण किया जाएगा और ये सरकार जो है वो सुचारू रूप से अपने 5 साल का कार्य जो है वो पूरा करेगा। जहां तक की रही बात जो अलग अलग मंत्रालय दिए गए हैं, अलग अलग
लोगों को, ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। और साथ ही साथ एनडीए के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों के साथ उनकी क्या बात हुई है, किस तरह से उन्होंने आपस में तय किया है, ये उनके आपस के बीच का, ये अभी तक की जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि कोई शर्तें थी नहीं शर्तें थी, शर्तें कौन सी मानी गई कौन सी नहीं मानी गई, ये उन लोगों के आपस की बात हुई। तो इसलिए उसके ऊपर भी कोई चर्चा करना जो है वो अपने आप में कोई माने नहीं रखता है। अभी शुरुआत हुई है सरकार की, अभी मंत्रालय आया है, केंद्रीय मंत्रालय आया है, पिछले 10 साल में जो जिस तरह से शासन प्रशासन किया चलाया गया था, निश्चित रूप से उससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है कि उनको मैंडेट मिला है, उनको 240 सीटें मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। बहुत से ऐसे कार्य थे जिसको लेकर के जनता में बहुत ज्यादा असंतोष था, जो कि अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात के साथ साथ ये भी करें कि वोट शेयर किसका कितना घटा है कितना कितना बढ़ा है, उससे भी ये बात स्पष्ट जाहिर होती है कि बेशक जो अभी तक की कार्यकाल था, कि कुछ और काम किए जाने बाकी है, वोट शेयर के बेसिस पे अगर बात की जाए, जनता जो है वो संतुष्ट इतनी नजर नहीं आई जैसा कि आप कह रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सुमैया राणा भी जुड़े हुए हैं। सुमैया, आपने भी देखा होगा कैबिनेट के बंटवारे हो चुके हैं, कुछ नए चेहरे भी आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है पहले की तरह रिपीट भी किए गए हैं। जिन मंत्रालय जिनके पास वो मंत्रालय थे उनको वापस वो मंत्रालय दिए गए हैं। आपका भी रिएक्शन इस पर चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं अगर बात गृह मंत्रालय की करूंगी, सबसे पहले मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में जो पिछला कार्यकाल था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे कि टेनी का हारना, जिसको अपने बगल में खड़ा उन्होंने, गृह मंत्री जी ने तब खड़ा किया था जब वो किसानों की हत्या में उनका बेटा लिप्त था, और उस वक्त में खड़े होकर ये कहा था कि दूरबीन से देखने पर भी अपराधी नहीं दिखाई देंगे, जबकि वो एक सबसे बड़ा अपराध का एक पुलिंदा उनके बगल में खड़ा था। उसके बावजूद भी गृह मंत्रालय अगर रिपीट किया गया है अमित शाह जी को, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चूक है, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर दिखा पिछले कार्यकाल में इनके, उसके अलावा जो बड़ी त्रुटियां थी और उसका खामियाजा देखिए लखीमपुर में भुगतना पड़ा, तो मुझे लगता है कि जो नए लोगों को इन्होंने जगह दी है, यकीनी तौर पर उनसे तो उम्मीदें बांधी जा सकती हैं। अब देखते हैं कि वो अपना किस तरीके से कार्यभार संभालते हैं और कैसे ले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले आजमाया जा चुका है और जिन लोगों पर इस बात का दाग है, तो उनको रिपीट करना मुझे लगता है ये सरकार की नाकामी हो सकती है आगे चलकर। ठीक, हमारे साथ इस वक्त रतिबान त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है चर्चा में आपका भी। रतिबान जी, क्योंकि कहा जा रहा था घटक दल जो साथ में है यहाँ पर, क्योंकि वो नंबर जो है बीजेपी अकेले नहीं ला पाई थी, तो ऐसे में कहा जा रहा था प्रेशर पॉलिटिक्स जो है बहुत ज्यादा होगी, दबाव एक तरीके से बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन जब अब विभागों का बंटवारा हो चुका है, क्या ऐसा कहीं से भी आपको नजर आ रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिली है विभागों के बंटवारे में, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है जिसका कयास लगाए जा रहे थे पहले? नहीं, मोदी सरकार के जब तीसरे कार्यकाल का जो ये मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आया है जी। इसे देखकर ये कहीं से भी नहीं लगता है कि मोदी सरकार किसी तरह के दबाव में है, या घटक दलों ने कोई दबाव बनाया है, या उनकी ओर से दबाव किसी तरह का आया है, ये बाहर भी प्रदर्शित नहीं हुआ। और सरकार के चेहरों के रूप में जो मंत्रालयों के विभागों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें कहीं भी ये परिलक्षित नहीं होता है कि मोदी जी पर कोई दबाव है। अब रही बात चेहरों पर मंत्रालयों को रिपीट करने की, तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जितने भी कई ढेर सारे मंत्रालय रिपीट किए गए हैं, और इसके अलावा जो घटक दलों के मंत्री शामिल किए हैं उनको भी अच्छे मंत्रालय दिए गए हैं, नए चेहरे आए हैं, कुछ अनुभवी चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, तो कुल मिलाकर के एक बेहतर मंत्रालय बनाने की एक अच्छा गुलदस्ता सजाने की कोशिश की गई है। अब ये गुलदस्ता रहेगा या बहुत अच्छे से कार्य रूप में परिणत होगा, ये भी देखने की बात होगी। पिछली बार उत्तर प्रदेश से जो कई सांसद थे जो मंत्री बनाए गए थे, उनमें 9 हार गए हैं, उनका कार्यकाल, उनका जो चेहरा था भले अच्छा शुरू में शामिल किया गया अच्छा रहा हो, लेकिन मौजूदा समय में जो उनकी हार हुई है, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जैसे तैसे काम करते रहे और पब्लिक ने उन्हें मजा चखा दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो नए चेहरे बने हैं ये काम करेंगे तो मोदी सरकार फायदे में रहेगी, और अगर वैसा ही काम करेगा तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। हाँ। पब्लिक क्या करेगी ये वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि मोदी जी ने काम में जिस तरह से तेजी दिखाई है,
पहले दिन उन्होंने किसानों के हित में फैसले लिए, उन्होंने आवास बनाने की घोषणा की, 3 करोड़ आवास हम बनाएंगे। ये स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है, पर मुझे लगता है कि जो ग्राउंड रियलिटी भी समझनी जरूरी है। पिछली बार जो 4.5 करोड़ मकान बनाने का दावा किया गया था, उनकी हकीकत जब जमीनी हकीकत परखी गई तो बहुत सारे दावे फेल माने गए। बहुत जगह मकान बने ही नहीं थे, कहीं अधूरे बने थे, कहीं उसमें छत नहीं थी तो कहीं उसमें प्लास्टर नहीं था, कहीं आवा वहाँ पे शौचालय नहीं बना था, इस तरह कमियां आई थी। तो अगर ऐसे ही मकान देने हैं, केवल फॉर्मेलिटी करनी है, तो ये उचित नहीं है। और सरकार इसमें भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार के तमाम कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ा है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये दिखाई पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, अगर सावधानी नहीं बरतेंगी तो नुकसान और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। भले ही सरकार यहाँ पर बन गई है, लेकिन वर्क जो है वो उस पर करना है, और जिसका जिक्र बार बार बीजेपी लगातार कर भी रही है कि लगातार काम को लेकर जो है वो सीरियसनेस दिखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी 100 दिन का एजेंडा जो है बनाकर वो पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जैसे ही विभाग बटेंगे यहाँ पर आपको फौरन काम में जुट जाना है। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, अशोक राजपूत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक जी बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में। अशोक जी, मंत्रालयों का बंटवारा जिस तरीके से, पहले तो मैं आपका रिव्यू तरीके से उस पर चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया उस पर चाहूंगी, आप किस तरीके से मंत्रालय को देख रहे हैं, और इसके साथ ही जिसका जिक्र बार बार हो रहा है यहां पर, कांग्रेस हमारे साथ नकवी साहब भी जुड़े हैं, वो भी कह रहे थे थोड़ा असंतोष जो है वो भले ही सरकार बन गई होगी लेकिन थोड़ा असंतोष है यहां पर, जिसको लेकर काम करने की जरूरत अब बीजेपी सरकार को है। अशोक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, हाँ हाँ, हेलो जी सर, आवाज मिल रही मेरी? जी जी, देखिए हाँ आवाज ठीक नहीं मिल रही है, लेकिन मैं जितना सुन पाया हूँ उतना बता दूँ। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वो मंत्रिमंडल में जो एलोकेशन है शपथ होने के बाद 24 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो गया है, और 30 से ज्यादा जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको उसमें साझा जो सहयोगी दल है उनको भी समायोजित किया गया है। तो जो जिस तरह से, और जो सिग्निफिकेंट ये है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर के 4 मंत्री होते हैं, और उसमें फिर उसके अलावा जो सीनियर मिनिस्टर्स के जो पहले मतलब 1 से लेकर 6-8 के बीच में रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नई चीजें आई हैं, वो यथावत रखी गई है। तो ये मैसेज तो देने की कोशिश की है कि अगर हम 2014 में चले थे, 2019 में चले थे, तो उसी दृढ़ता के साथ अभी हम 2024 में भी चलेंगे। ये उसका सिग्निफिकेंट है। अभी मेरे साथी क्या पत्रकार साथी रतिभान जी बता रहे थे, उसमें भी मैं ये बात तो सही है कि क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जो मिनिस्टर्स थे जो बड़ी संख्या में हारे, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हारे, राज्य मंत्री भी हारे, तो उसके बाद उन मिनिस्टर्स को अगर काम करना होगा, उनको लोग क्या ना जनता के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, और अगर ये दोनों चीजों के साथ समन्वय बना रहेगा तो, क्योंकि राज्य सरकारों को भी जो रोल रहता है केंद्र के साथ एक तारतम्य वाला रहता है, और उस तारतम्य में बीच जो भी योजनाएं आती हैं वो राज्यों के माध्यम से ही लागू होती है, और जनता के जो है वो राज्यों से के लिए वाया ही चलती है। तो उस स्थिति में जो आज के भी जो दोनों निर्णय किसान को संबंध लेकर के हैं और गरीब को, या वैसी जनता है जो थोड़ा ब्लू पॉवर्टी लाइन में आती है उनके लिए छत की स्थिति है, ये दोनों निर्णय से भी लगता है कि केंद्र सरकार की जो मोदी 3 का जो है 3-0 है उसमें प्रायोरिटी भी इसी तरह से रहेगी, और वो जनता और किसान दोनों उसमें है, क्योंकि दोनों को लेकर के अब जो बड़े निर्णय, 1 में 20,000 करोड़ का 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का मिलना होगा, दूसरे में उनको आवास के लिए होगा। अब आवास को लेकर के जो स्थिति है ना, एक्चुअली जो अपने रतिवान त्रिपाठी जी बता रहे थे, देखिए राज्यों में जो एजेंसियां जो करती हैं जो निर्माण में काम में या दूसरे काम चीजों में लगती हैं, उनका तो मतलब स्थिति ये रहती थी कि पूर्व में ही उत्तर प्रदेश में सरकार रही, उसने केंद्र सरकार मांगती रही
मांगते रहे और इन्होंने यहां तक की लिस्ट को मतलब भेजी नहीं, तो लैप्स भी होता है और एक तरह से भी लगता है कि शायद कुछ हो नहीं रहा है, जबकि आपस की तस्दी पिछली बार जो समाजवादी की सरकार अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय की, मैं समय का मैं रेफरेंस कर रहा हूं, तो ये स्थितियां रही। तो अब आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि राज्यों के साथ केंद्र का आपस में समन्वय बना रहे, और क्योंकि जनता का विषय है और जनता को सर्व करने के लिए सरकारें आती हैं और नई सरकार आई है तो वो भी जनता को सर्व होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है सीधे चुनाव में देखने को मिलता है। शरद जी भी हमारे साथ लगातार बने बीजेपी से, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शरद जी, सभी मेहमानों को आपने सुना यहाँ पर, जिस तरीके से कांग्रेस के सहयोगी हिलाल नकवी साहब भी हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने जो जिक्र करा कि नई सरकार फॉर्म हो गई, बधाई भी उन्होंने दे दी है यहाँ पर, लेकिन ये मानकर आपको चलना पड़ेगा कि कहीं चूक हुई या फिर कहीं नाराजगी रह गई, क्योंकि वो मैंडेट जिसके जिक्र बीजेपी लगातार कर रही थी वो आंकड़ा तो नहीं छुपाई। सहयोगी दल के साथ जरूर एनडीए चल रही है यहाँ पर, बीजेपी चल रही है यहाँ पर, लेकिन सर और फोकस करने की जरूरत है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री काफी एक्टिव है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठ के कर रहे हैं। देखिए, जो अभी खान साहब कह रहे थे वो बात मैं मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब हमको सरकार मिली थी आज से 10 साल पहले, सरकार में जनता लेके आई थी तो सब बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, मकान नहीं थे, शौचालय नहीं थे, गैस के कनेक्शन नहीं थे, बिजली के कनेक्शन नहीं थे, तो ये बुनियादी सुविधाओं की वजह से जो देरी आ रही थी, क्योंकि बाकी काम तो तभी आप करेंगे जब सड़क होगी, जब ट्रांसपोर्ट ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम आपके पास नहीं तो आप कैसे काम करेंगे। आप देखें डिफेंस कॉरिडोर जो है, जहां पे कि जो रक्षा सामान बनाने के लिए लोग फैक्ट्री के से जमीन नहीं थी, तो उसमें से कॉरिडोर ऑलरेडी हैंडओवर कर दिए गए हैं। तो जिस तरह का विकास का कार्य का सपना हमने देखा था वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। तो हमारे दो कार्यकाल तो तकरीबन बुनियादी सुविधाएं देने में ही हमारे निकल गए, लेकिन उसके बावजूद आज 8.2% रेट से जो है हमारी सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था है, तो वो हमने कर लिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत कंफर्टेबल है, 850 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 652 बिलियन 850 बिलियन डॉलर का, और 652 बिलियन डॉलर का हमारा निर्यात हो रहा है। तो इस तरह काम हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है, जो इतिहास में भारत के पिछले 70 साल में जिस स्पीड से काम नहीं हुआ उससे ज्यादा काम हुआ है, और किसी भी कालखंड से कम 3 गुना हुआ है काम। पहले 17 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 47 किलोमीटर सड़क बन रही है। दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आप देखें शौचालय बने हैं, 53 लाख मकान बने हैं। तो ये जो विकास का कार्य जो था, जो टेक ऑफ करने का टाइम था, वो नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 16% निवेश जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये जो कार्य है जिनकी वजह से दिक्कतें आई थी, अब वो सारा काम खत्म हो चुका है, अब उड़ने का समय आ गया, टेक ऑफ करने का समय आ गया है, हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। यानी कि 10 साल में जो काम हुआ, 5 साल और मिले हैं तो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। एक बार सुमैया का मैं रुख करना चाहूंगी। सुमैया, इस बार अगर बात की जाए, सपा की कंडीशन काफी बेहतर है, मैंडेट काफी अच्छा उत्तर प्रदेश में मिला यहाँ पर, लेकिन जो बात शरद साहब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, कि 10 साल पहले जब सरकार आई, जब स्थितियां थी, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति देखी वो कुछ अलग तरीके की, 10 साल में काफी काम हुआ, 5 साल का और मैंडेट मिला है, तो अब 5 साल में रफ्तार पकड़ती हुई और नजर आएगी उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है और बदल जाएगी। देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क है, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से कथनी और करनी में फर्क रहा है। अभी मैं सुन रही थी शरद त्रिवेदी जी को, तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर कोई संसाधन बचे हों जो ना बिके हों पिछले कार्यकाल में उनके, तो वो बचे रह जाए। चीनी मिलों का एक बड़ा मुद्दा है, उनकी बदहाली पर क्या सोचा है सरकार ने, ये देखने वाली बात होगी। और जो पूरी तरीके से धड़ाधड़ जो संसाधन बिक रहे थे, जो पिछले कार्यकाल में जो और तमाम सरकारें थी जिनमें बनाए गए थे, उनके बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जो जनादेश समाजवादी पार्टी को मिला है और जो तीसरे नंबर पायदान पे हमारी पार्टी है देश में, और ये ऐसे ही नहीं है, लोगों का जनादेश ऐसे ही नहीं मिला है, इसके पीछे बड़ा काम है नेताजी से लेकर के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, और उन पर जो विश्वास जताया है, आने वाला समय यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी का होने वाला है। लेकिन मैं ये यहाँ पर शरद त्रिवेदी जी से कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से पिछले 10 साल निकले हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोग
और उसके अलावा जो गरीबी दर बढ़ी है, जो महंगाई की दर है, वो सब कैसे कम होगी, उस पर कैसे विचार करेंगे। ठीक, इस पर यानी कि फोकस होना चाहिए जिसका जिक्र आप कर रही हैं। हिलाल नकवी साहब भी हमारे साथ हैं कांग्रेस, एक बार उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। हिलाल नकवी साहब, क्योंकि जो जिक्र कर रहे हैं, जो चर्चा आप भी सुन रहे हैं यहाँ पर लगातार, अगले 5 साल और काम होगा यहाँ पर, क्योंकि किसी भी सरकार को काम करने के लिए तो समय चाहिए। लेकिन ये शरद जी भी कह रहे हैं लगातार कि जो स्थिति मिली थी उससे बहुत बेहतर काम करके हमने दिखाया, और अब जनता ने जब मैंडेट दिया, हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं संतोष, हालांकि फिगर्स हमने भी देखे, लेकिन उससे बेहतर काम होगा। हम नहीं चाह रहे थे आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी की नई कैबिनेट बनी है उसके अंदर हम किसी तरह का कोई इसके ऊपर टिप्पणी करें, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी अभी इलेक्शन के मोड से बाहर नहीं आई है। बिजली पानी सड़क की आप बात करते हैं, गरीबी की क्या बात करते हैं, जहां 80 करोड़ लोग आपने गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिए, जबकि आपको जब सरकार में आए थे उस वक्त मुश्किल से 24 करोड़ लोग हुआ करते थे गरीबी रेखा के नीचे, और ये बात आप खुद एडमिट करते हैं। आज की तारीख में जिस तरह से, जिस बेभाव से महंगाई बढ़ी है उसके बारे में आप क्या करेंगे, जो आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं उसके बारे में आप क्या करेंगे। जनता जो है वो सड़क के ऊपर, अगर आपने बेहतर सड़क बना दी, अच्छी सड़क बना दी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, बेशक बेहतर हो जाएगी, लेकिन उस जनता का क्या जो 80 करोड़ आज की तारीख में उस सड़क पर चल ही नहीं सकती है। उसके लिए उस सड़क का विकास जो है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए प्रायोरिटीज जो है वो अलग अलग हो सकती है, ये हो सकता है कि आप जो है वो चंद जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको बेचते चले जाए, उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा जिससे आपके पास आ जाए, लेकिन इससे जो है वो गरीबी घट नहीं रही है, इससे गरीबी बढ़ रही है, और ये आपके आंकड़ों में है, ये हमारे आंकड़े नहीं है। ठीक यानी कि इस पर वर्क करने की जरूरत है, समय का अभाव है, मेरे पास समय इतना ही था। मेरे पास आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट का गठन फिलहाल हो चुका है, लगातार चर्चाएं और वार पलटवार जो है वो इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, लेकिन काम कितना होगा वो जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।